की मिट्टी अगर सूखी हुई भी है तो कोई बात नहीं है, इसकी मिट्टी में अगर ज्यादा पानी है तो वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, पानी जमना नहीं चाहिए, इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है और ये रूट बॉन्ड इसमें हो जाता है तो आप इसके पॉट को स्प्रिंग में चेंज कर सकते हैं और इस तरह से कुड़ाई करके आप इसमें कोई भी फर्टिलाइजर। मैंने इसमें डीएपी डाला था जो अभी मैं नहीं डालूंगी क्योंकि डीएपी के असर से ही देखिए इतने सुंदर से फ्लावरिंग हो रही है, इसलिए मैं इसे अभी नहीं डालूंगी। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद सुनीता। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर प्लांट की आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये प्लांट पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। किसी किसी यूट्यूबर के पास मैंने ये प्लांट देखा है और जब से देखा है मैं चाहती थी कि ये प्लांट मेरे पास भी आए, तो मैंने इसे अपने पास की नर्सरी में तो नहीं इसे ढूंढ पाई लेकिन मैं इसे वेस्ट बंगाल कोलकाता में नर्सरी है वहाँ से लेकर आई हूँ और बहुत सुंदर प्लांट है। मैं इसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ही पसंद किया है, मैं उसको आई बटन में उस लिंक दे दूंगी, आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। तो ये है दुरांता फ्लावर प्लांट जिसे जिसका पूरा नाम है दुरांता इरेक्टा फ्लावर प्लांट। इसकी दो वैरायटी है मेरे पास और आप लोग इसकी खूबसूरती तो देख ही पा रहे होंगे, तो चलिए इसके बारे में आज जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये प्लांट कब होता है और आपको कब नर्सरी में पाया जाएगा, तो ये प्लांट समर का प्लांट है और ये नर्सरी में अभी ही फूलों सहित पाए जाएंगे। दूसरी बात ये है कि ये प्लांट में अगर फूल ना हो तो आप मत लाइए ये प्लांट क्योंकि पता नहीं चलेगा आपको कि इसमें यही फ्लावर आएंगे कि नहीं आएंगे। सन लविंग प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसके बारे में क्या क्या बोलूं, ये बहुत ही सुंदर प्लांट है और इसके पीछे कुछ भी मेहनत नहीं है और मैं इसमें क्या फर्टिलाइजर डालती हूँ ये भी आप लोगों के साथ आज शेयर कर लूंगी। बुश वैरायटी का प्लांट है लेकिन अगर आप इसे पॉट में लगा रहे हैं तो इसके लिए जो भी पॉट का सिलेक्शन करें आप 10 इंच से ऊपर के पॉट का सिलेक्शन करें क्योंकि ये बहुत ही तेजी से बढ़ता है और बहुत बड़ा होता है। इसकी हाइट लगभग 2 से 4 फुट तक लंबी होती है और बहुत ही जल्दी ये बहुत सुंदर एक फाउंटेन का रूप ले लेता है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने इसे 10 इंच के गमले में लगा कर रखा है और इसकी हाइट देखिए ये प्लांट की लगभग 2 फुट करीब हो गई है और 2 फुट के प्लांट में कितने सुंदर से फ्लावरिंग कर रहा है। बेसिकली ये प्लांट अगर आप जमीन में लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा 15 फुट तक ऊंचा हो जाता है। ये प्लांट की सबसे अजीब बात ये है कि इसे आप कटाई छटाई प्रूनिंग पिंचिंग करके इसे आप छोटा नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसके जो फ्लावर्स आते हैं वो टिप में आते हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये फाउंटेन है, सारे अंदर साइड ग्रीन पत्ते रहेंगे और टिप में आकर इसकी फ्लावरिंग होगी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इस प्लांट को यदि आप टेरेस में लगा रहे हैं तो 10 इंच के गमले में लगा तो दिए और उसके बाद इस प्लांट को आप किसी ऊंची जगह में रखिए क्योंकि ये प्लांट झूल कर होता है, इसके फ्लावर्स टिप में होते हैं तो क्या होता है कि जमीन में इसके फूल सटने लगते हैं। प्लांट अगर आपके गार्डन में है तो बहुत सारे बटरफ्लाइज, हनी बी, बहुत सारे इंसेक्ट इससे आकर्षित होते हैं और गार्डन में फ्रूट प्लांट है या फिर फ्लावर प्लांट है तो आपके गार्डन में सभी की क्वांटिटी को बढ़ा देता है, पॉलिनेटर का काम बहुत ही ज़्यादा करता है। इसमें तितलियाँ इस वजह से आती है क्योंकि आप देख पाएंगे इसके कलर बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये प्लांट में पानी की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि जितनी गर्मी पड़ती है उसमें उतने ही ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। इसमें आप 2-3 दिन छोड़ भी देंगे पानी देने के लिए तो इस प्लांट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप यदि कंटेनर में लगा रहे हैं
तो आपको जैसे सभी प्लांट में आप पानी डालते हैं एक दिन वाटरिंग, वैसे आप कर सकते हैं। ये प्लांट के पत्ते बहुत ही सुंदर होते हैं और विंटर में ये पत्ते एक भी नहीं रहेंगे, सिर्फ नाम मात्र की डंडियां रह जाती है इसमें। ये विंटर में सारे पत्तों को अपना गिरा देता है। इस प्लांट को आप स्प्रिंग में आप इसे लगा सकते हैं। इसे सेमी वुड कटिंग, पेंसिल जैसी मोटी कटिंग आप ले लीजिए और स्प्रिंग के टाइम में आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं और इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। इसमें बेरीज टाइप के कुछ फ्रूट होते हैं, उसमें सीड बनते हैं, उस सीड को भी आप यदि लगा देंगे तो ये भी लग जाते हैं। ये प्लांट को लगाने के लिए आप ऐसे तो अगर कंटेनर में लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन सॉइल वाली मिट्टी बनाइए और हो सके तो एक ही बार इसमें काउडंग कंपोस्ट, सैंड और सॉइल का मिक्सचर बनाकर इसे लगा दीजिए। ये प्लांट बस इतने में ही फ्लावरिंग करेगा, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डालने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कंटेनर में यदि कोई गार्डनिंग कर रहे हैं तो साल दर साल इसके ये प्लांट पुराना भी होता है, तो क्यों ना इसे भोजन भी दिया जाए। तो मैं इसमें क्या डालती हूँ जो इतनी अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है, वही आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूँगी। ये प्लांट इतना लैगी हो जाता है कि आप इस तरह से नीचे झूलते ही रहेंगे। स्टूल के ऊपर रख दिया है क्योंकि ये जो है आप देख पाएंगे, ये अगर जमीन में रहता तो पूरा जमीन में टच करता इसके डंडियां, इसलिए मैंने इसे स्टूल में रखा है। और ऊंची जगह में इसको रखिए क्योंकि बहुत सुंदर झूल झूल कर इसमें फ्लावरिंग होती है और इतने लैगी हो जाते हैं कि मैंने तो देखिए इसे इस तरह से बांध दिया है। और आप इस तरह से अगर बांध देंगे सपोर्ट के साथ में तो ये बहुत सुंदर लगता है, नहीं तो एकदम पूरा नीचे झूला हुआ दिखाई देता है। आपको मैं दूर से दिखा देती हूँ, देखिए इसकी मिट्टी को आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। काउडंग कंपोस्ट इसमें डाल सकते हैं और मैं इसमें काउडंग कंपोस्ट भी डालने वाली हूँ। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट में मैं प्रायः काउडंग कंपोस्ट का यूज करती हूँ और ये है सरसों की खली, आप जैसा कि देख पाएंगे। और मॉनसून के टाइम में मैं अपने प्लांट में सरसों की खली का यूज जरूर करती हूँ क्योंकि ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है और धीरे धीरे प्लांट में पोषक तत्व जो भी कमी होगी वो इसे मिलता रहेगा और ये फ्लावरिंग करेगा। ऐसे ही ये प्लांट फर्टिलाइजर नहीं मांगता है और आप ज़्यादा इसे फर्टिलाइज कर देंगे तो इसके पत्ते पीले होकर गिरने लगेंगे, जैसे कि देखिए नई ग्रोथ हो रही है और टिप में कितनी सारी कलियां आई हुई है। और जब फ्लावरिंग होगे तो ये भी इस तरह से झूल जाएगा। ये दो टाइप के मेरे पास है, दूसरा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। उसमें ज्यादा फ्लावरिंग नहीं हुई है, लेकिन कम ही हुई है, लेकिन इससे थोड़े से लाइट कलर के फ्लावर्स उसमें है। मैंने पढ़ा कि इसके बहुत सारे कलर होते हैं लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे पास तो दो ही टाइप के हैं, एक है इससे लाइट कलर वाले और एक है ये डार्क कलर के पर्पल। ये भी एक दुरंता की ही वैरायटी है जिसे कि क्यूबन गोल्ड कहा जाता है क्योंकि इसके जो पत्ते हैं ये गोल्डन कलर के हो जाते हैं और फूल लगभग एक ही समान दिखाई देते हैं, लेकिन इसके फूल थोड़े छोटे होते हैं। आप खूबसूरती तो देख ही पा रहे होंगे, बहुत सुंदर लाइट कलर के हैं। और ये है दुरंता क्यूबन गोल्ड कलर का फ्लावर प्लांट, ये है एक हेज ही है और इसे आप किसी पार्क में खुले जगह में आप देखेंगे इसे लगाया जाता है। और इसकी पत्तों की जो डबल सेडेड कलर है इसके चलते ये बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। और मैंने तो पहली बार देखा है कि ये एक हेज है, अगर आप इसकी कटाई छटाई नहीं करेंगे तो बहुत ही स्पीड में ये बढ़ता है और बहुत सारे जगह आपका कवर कर लेता है, इसलिए इसकी कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है।
मुझे ये प्लांट इसके फूलों के ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव कलर के कारण इतने आकर्षित करते थे कि मैंने ये प्लांट को अपने गार्डन में लगाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है। कुछ फ्लावरिंग प्लांट मुझे इतने अट्रैक्टिव लगते हैं कि मैं और प्लांट के अलावा उसमें ज्यादा मेहनत करती हूँ और बहुत जब रिजल्ट अच्छा आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनमें से एक प्लांट ये भी है दुरांता का, और एक प्लांट है मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, वो है स्टडे टुडे टुमारो। उसके भी फ्लावर बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। मुझे ये लगता है कि पर्पल कलर के फूलों वाले प्लांट मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, इसीलिए मैं उसकी ज़्यादा केयर करती हूँ। और कोई बात नहीं हो सकता है, सभी गार्डनर के लिए सभी प्लांट बहुत ही प्यारे होते हैं। ये जो फ्लावर प्लांट है ये जून जुलाई में अच्छी फ्लावरिंग करता है, जैसे कि यस्टरडे टुडे टुमारो जो फ्लावर प्लांट है वो फरवरी मार्च में फ्लावरिंग करता है। और अभी मैं उसकी हालत दिखा देती हूँ। ग्रोथ तो अच्छी है लेकिन इसमें फ्लावर्स के नामो निशान नहीं है। एक और यूनिक फ्लावर प्लांट आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूंगी। आप इसके पत्तियों की ग्रोथ और कलर देखिए कितने ब्यूटीफुल है। ये है पिंक कलर के टगर। ये मुझे बहुत ही यूनिक लगे और बहुत कम मुझे देखने को मिलता है। मैं वीडियो सर्च करती हूँ लेकिन बहुत कम लोगों के पास ये फ्लावर प्लांट को मैंने देखा है। ये मानसून सीजन का गोल्डन आवर है। इसे गोल्डन टाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय सूरज जो होते हैं वे साइज से चमकते रहते हैं और किसी भी चीज की खूबसूरती को दोगुना कर देते हैं। जैसा कि देखिए ये फूल कितने ब्राइट कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये प्लांट में बहुत ही ज्यादा व्हाइट मिलीबग का अटैक होता है, मैंने इसे देखा है। आप इसमें ऑर्गेनिक स्प्रे भी कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं, और मैं तो हमेशा विम बार लिक्विड जो है उसमें थोड़ा सा विनेगर मिलाकर सभी प्लांट में स्प्रे कर देती हूँ, और बरसात में खास करके तो मिलीबग का खतरा इसमें रहता है। एक छोटे से प्लांट आप जब भी अपने गार्डन में लाएंगे ये कब झाड़ी नुमा और कितने बड़े हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस बात का ख्याल रखिए, आप यदि जमीन में लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसे लगा रहे हैं तो 10 इंच का कंटेनर आप जरूर लीजिए अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो। मुझे उम्मीद है कि मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को थोड़ी सी भी यूज़फुल लगेगी तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि अच्छी लगी कि नहीं लगी। कि कोई भी फ्लावर प्लांट हो उसका जब समय आएगा तो कम या ज़्यादा ये जरूर फ्लावरिंग करेगा। तो आज ही ले आइए ये लो मेंटेनेंस दुरांता एरेक्टा का फ्लावर प्लांट। लो मेंटेनेंस मतलब ना इसमें खाद देने की ज़रूरत है, ना इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत है एकदम केयरफुली, ना इसमें कटाई छटाई की ज़रूरत है। अगर कोई जिनके पास टाइम नहीं है वो ये प्लांट को बेशक लगा सकते हैं, और इस प्लांट को आप रोटेट करते जाइए तो इसके चारों तरफ फ्लावर आएंगे। अगर एक ही तरफ से इसमें धूप लगेगा तो एक ही तरफ इसमें फ्लावर्स आएंगे। इसी तरह मैं नए नए फ्लावर प्लांट आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।